गाइज अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू करीब ब्लॉग्स। तो गाइज आज हम लोग का लास्ट डे है ये व्यू के साथ में, क्योंकि आज हम लोग निकल रहे शिमला के लिए और बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी है। बर्फ़ तो नहीं हुई रात में, लेकिन ठंडी बढ़ गई है वहाँ, शायद ऊपर हुई है। वो देखो वो सब जगहों पे हुई, आपको मैं जूम करके बताती हूँ। देखो गाइज, कोई नहीं, हमारे नसीब में नहीं थी बर्फ़ देखना, तो चलते फिर जल्दी से रेडी होते हैं और निकलते शिमला के लिए। यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, फुल रेडी हो गए। तो गाइज हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिए है, अभी हम लोग रुके हैं ड्राइवर अंकल के लिए, तो यहाँ पे जब तक हम लोग फोटोज ले लेते हैं। व्यू बड़ा अच्छा है, हमारी लॉबी बोल सकते हैं या फिर डाइनिंग एरिया बोल सकते हैं। यहाँ गाइस बारिश हो रही है, क्या पता आपको ये ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं कि नहीं, झाड़ पे ऐसे ना फ्रीज हो चुके हैं वो, आई डोंट नो कैसे दिखेंगे। हाँ यार ये देखो, ये वाले ना ये फ्रीज हो गए, गिर ही नहीं रहे। एक्सट्रीम ठंडी है गाइस, -6 डिग्री हो रहा है। आते हैं ड्राइवर अंकल, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम लोग निकल गए शिमला जाने के लिए और वेदर देखो क्या मस्त हो रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ गाइस, -6 डिग्री चल रहा है। देखो पूरा फॉग ही फॉग है, आगे भी बारिश हो ही रही है अभी तक, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है शिमला पहुँचने में। तो गाइस आफ्टर 10 आवर्स हम लोग शिमला पहुँचे हैं और इतनी ज़्यादा मतलब बारिश हो रही है लेकिन बर्फ़ नहीं पड़ रही है कि यहाँ पे ठंडी बहुत है। तो अभी चेक इन कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग सब, और फिर मैं आपको रूम भी बताती हूँ यहाँ की, ये होटल है। और गाइस मैं पहले ही बोल दूँ, बहुत ज़्यादा घूम घूम कर आना पड़ा, क्योंकि शिमला और मनाली जब भी आप आओगे तो प्लीज़ आप लोग देख दाख कर आओ कि आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना पड़े। मैंने आपको पहले भी बोली थी कि हमारे पास सफ़र होने वाला है, तो ये सफ़र करके हम आए हैं बहुत ज़्यादा, और मैं पूरे सफ़र में सो ही रही थी तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं की। तो अभी चलते थोड़ा फ्रेश होते और फिर मैं आपको रूम बताती हूँ। तो गाइज देखो हम लोग रूम पर आए और हम लोग के रूम के गैलरी में ही बैठ रहे बंदर। चलो मैं भाग रहा हूँ, देख रहा है, भागो। ये है हमारा रूम, यहाँ है वॉशरूम, वॉशरूम बड़ा अच्छा है, और ये है बेड, और ये है प्राइवेट बालकनी जहाँ पे वो बंदर है। मैं यहाँ अकेली हूँ, दिख रहा तो नहीं है, लेकिन वो अंकल बोल रहे थे कि यहीं पे है। तो गाइस हम लोगों ने चेंज कर लिए है और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए नीचे। आज कुछ ज़्यादा हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि पूरा दिन हम लोग ट्रैवलिंग में चला गया, क्या ही दिखाते हैं, तो यही व्लॉग मैं कंटिन्यू रखूँगी कल। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह, और अभी तो फिलहाल इतना वेदर ख़राब हो गया है, मतलब बारिश इतनी ज़ोर ज़ोर से हो रही है, और हम लोग का जो होटल है वो एकदम ऐसे टॉप पे है। माय गॉड, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो गाइज हो गया है नेक्स्ट डे और मैं हो गई हूँ रेडी, सिर्फ बाल बनाना बाकी। ये है मेरा आउटफिट, क्या पता अब दिख रहा है कि नहीं, और इसके ऊपर मैंने एक और जैकेट ले ली हूँ क्योंकि इन केस कभी ठंडी लगी, तो इसीलिए मैं ले रही हूँ। और अभी चलते हैं, मेरे को हेयर स्टाइल करना है आज, क्योंकि इतने दिन से मैं सिर्फ ऐसे बाल खुले ही रख रही थी और कैप्स वैप्स पहन रही थी, लेकिन आज मैं कैफी को बोलूँ कि मेरे बाल कुछ ऐसे कुछ बना के दे, तो यस वो बाकी है, लिपस्टिक बाकी है। हम भी चलते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए, भी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए, तो यस लेट्स गो। और गाइज मैंने आपको कल रात में व्यू नहीं दिखाई हमारे बैल्कनी से, मैं इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि थोड़ा बंदर का यहाँ पे डर है, तो मैं अभी बता देती हूँ। हम लोग एकदम टॉप पे है और यहाँ से पूरा शिमला दिख रहा है। मैं खोलूँगी नहीं क्योंकि मैं यहाँ अभी अकेले हूँ, कभी बंदर आ गया, कभी बंदर आ गया तो मेरे लग जाएंगे रास्ते, तो ये बंद करते और चलते वो रूम में। गाइस हम लोग हो गए रेडी और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने। वैष्णवी जल्दी अपना आउटफिट बताइए। ओह माय गॉड,
कैफे, वेयर इज कैफे? नाइस। और अरीब थोड़ा दूसरे रूम में, तो उन्होंने बोले तुम लोग नीचे उतरते रहो ना तो लेट हो जाएगा, तो हम लोग नीचे जाते हैं। गाइस हम लोग बैठ गए ब्रेकफास्ट करने और वो रहे अरीब। अरीब हाय। आज अरीब की तबीयत थोड़ी डाउन है इसलिए मूड में नहीं है, थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे मैं, तो मिलते ब्रेकफास्ट के बाद। सो गाइस मैंने आपको रात में नहीं बताई, ये जो व्यू है हमारे होटल से बहुत ही प्यारा है, मतलब क्या बोलूँ मैं, रुको मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। जस्ट लुक एट द व्यू, ओ माई गॉड, पूरा शिमला दिख रहा है। यस, और आज अरीब की आउटफिट तो देखो जरा। नहीं मैं नहीं आ रही वहाँ, मोबाइल संभालना, पूरा शिमला दिखता है। अरीब यहाँ दिखाओ तो अपना आउटफिट यार, तो डर लग रहा है बेटा मेरे को यहाँ खड़े होने के लिए, गिर जाता। चलो गाइस जल्दी से जाते हैं, हमारे ड्राइवर हमारा वेट कर रहा है। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? कुफरी। ओके कुफरी जाएंगे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं कुफरी, हम लोग ऊपर आए हैं नेचर्स पार्क में जो यहाँ का बहुत फेमस है, तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और फिर देखेंगे क्या है इस पार्क में। वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, एक्सट्रीम देख सकते आप लोग। हाँ अरे ठंडी, क्या करना चाह रहे हो? अरीब को बहुत ठंडी लग रही है, सुपर सेम यार। हम लोग ने हीटिंग पैड जो मंगाए थे अमेजोन से वो भी कुछ काम नहीं आ रहे गाइस, सोचो मतलब इतनी ठंडी है। चलते अंदर और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम लोग इतना ऊपर आए लेकिन मालूम पड़ा कि यहाँ पे ट्यूसडेज को बंद रहता है जू, तो आप लोग भी ध्यान रखना इस बात का। और अभी हम लोग जा रहे कुफरी, वो भी हॉर्स राइडिंग करके, जो कि शायद ये जगह है, ये जगह जाएंगे हम लोग। ये कितने सारे बंदर है, जल्दी से फोन अंदर, पता चला मेरा फोन लेके चले गए। बच्चे साथ है ना मंकी, तो लोग कुछ नहीं, बच्चे के बिना रहते तो। गाइस इतनी बुरी ठंडी लग रही है यहाँ, मनाली पे भी इतनी नहीं लगी थी जितनी यहाँ लग रही है। हम लोग हीटिंग पैड लगा के, कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं, हाथ पूरे ऐसे एकदम ठंडक हो गए। तो चलते हैं डॉगी, जल्दी से चलते हैं। तो गाइस हम लोग फुल रेडी हो गए, यहाँ पे शूज मिलते हैं ये ऐसे वाले, ये लोग ने भी पहने हैं, नहीं पहनी है क्योंकि यहाँ पे इतना सारा कीचड़ है, किचड़ है। और ये रहे अरीब, सब पहन लेना अपना, बहुत खराब है यहाँ पे भी वही वाला सीन है, तो पहनना पड़ेगा। तेरे तो शूज मैच हो रहे हैं। तो गाइस मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत मेरे हाथ सुन हो रहे हैं बिना ग्लव्स के, और ग्लव्स के साथ रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड करूँगी। ओके तो चलते जल्दी से। घोड़ा भाई गाइस देखिए कायनात कैसे घोड़े बैठी है, मज़ा आ रहा है कि नहीं कायनात? बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। यो कैफे कैफे, हाँ गलत जगह घुस जाएगा। सो गाइस देखो उधर पीछे जूम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ वहाँ मेरे घोड़े ने कायनात के पीछे सेमुड़ उड़ाया, एकदम जबरदस्त वाला, बहुत ज़्यादा है, इतना उड़ाया किधर है? पीछे यहाँ जैकेट पे, मेरे बाल पे नहीं जैकेट पे। चलो भगाते हुए लेके जाना, कायनात बहुत चिढ़ रही है मेरे में, इतना मजा आ रहा है बट। सो गाइस अभी कायनात को जरा उंगली करने, बहुत मजा आने वाला है। पूरे मनाली में चिल्ला रही है मेरे पे, सॉरी शिमला में पूरे चिल्ला रही है मेरे पे। हट अरे यार चुप, हट हट, उतर जा उतर जा, कीचड़ में कहाँ उतरेगी इतने। सो गाइस मिलते हैं ऊपर पहुंचने के बाद। हम लोग आ गए हैं ऊपर, आपने देखे मेरी हालत कितनी बुरी हो गई थी, मेरे को इतना डर लग रहा था कि पूछो मत। और यहाँ पर अभी कुछ ऐसा है नहीं इंटरेस्टिंग, वहाँ स्नो दिख रही है, वहाँ जाते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले देखो कैफी क्या कर रही है। कैसा निशानी देखो, ओके ओके, ये है यहाँ का बाजार। कितने का चला चाचा? 40 का सर। डाल के दिया मैगी कितने की है? 40 का सर। ये टिक्की भी 40 का सर। टिक्की दो टिक्की आगे 40 की।
सो गाइस फाइनली भी मैगी आ चुकी है हमारी और कायनात इसमें से वैसे भी भाजी निकाल लेगी और यहाँ बैठी है कैफी, क्यूट कैफी, जैसे कि आप लोग जानते हो इसे है। बहुत लोगों की तलाश है इसको, मतलब इसको बहुत लोग, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा मेरे को। प्लीज बी क्वाइट, बहुत ज्यादा ठंडी है गाइस। यस, अच्छा लग रहा है, धूप में ठंडी अच्छी लग रही है। खा रहे हो अरीब लोग? वैसे गाइस मैं कैसे दिख रहा हूँ बताना, सब सुल्तान मिर्ज़ा दिख रहा हूँ कि नहीं? तो गाइस फाइनली हम लोग का एक छोटा सा ब्रेक हो गया है और अभी हम लोग फिलहाल जाएंगे, यहाँ पे 3 या 4 पॉइंट है तो सब एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं। और वैष्णवी का अभी तक खा के हुआ नहीं है, सब खाने का उसको, सब ए टू जेड चीज़ है ना। 3-4 प्लेट इसने खत्म कर रही, मैं खाना वेस्ट नहीं कर रही। नहीं नहीं, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना झूठ नहीं, इतना झूठ। और ये सुस्ता रही है, घोड़े से क्या डरी है गाइस? कसम से आप लोगों को मैं वीडियो जरूर डालूंगा, इसमें ब्लॉग में डालूंगा, बहुत मजा आएगा। गाइस इतना ऊपर आके हमें क्या मिला, ये कीचड़ वाला स्नो। हाँ वैष्णवी, ठीक है, मतलब ठीक है, हॉर्स राइड थोड़ा एडवेंचरस था, ये कुछ था, मजा आया, लेकिन यहाँ पर आके कुछ दिख ही नहीं रहा है। और अरीब देखो कहाँ चल गए ऊपर, अरीब कहाँ जा रहे हो? ओए बोलता उतरू कैसा, हेल्प करने। ओ वैष्णवी जा रही है, लाओ लो, नो एंट्री की तरह करते हैं, रुको। हाँ इधर ऐसा पैर रख दो, जंप नहीं करना। नहीं 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 नहीं, वो पत्रे का है, हमारा वजन नहीं लेगा वो। अरे गिर जाओगे, अरे बहुत बुरा गिरोगे, मत करो। ओ तो गाइज अभी हम लोग ये साइड, वहाँ से हम मेरे पीछे से उतरते हुए यहाँ पर आए हम लोग फोटो शूट करने के लिए। और यहाँ पे कैफी का पहले हो रहा है और वैष्णवी यहाँ खड़ी है, अरे फोटोज ले रहे हैं। और उसको देखो कितनी प्यारी बच्ची है, टोपी दे टोपी, क्यूट। गाइज हम लोग यहाँ पे फोटो शूट कर लिए अपना और अभी वापस जा रहे हैं, और वापस से गाइज घोड़े पे बैठना है, कष्ट है वो मेरे लिए, देखते हैं कैसा जाएगा मेरा सफर। सफर है मेरे लिए, सफर इज वेरी सफरिंग, यस वेरी सफरिंग। चलो अभी नीचे उतरते, घोड़े के पास जाते, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट नीचे ही उतर के मिलूंगी, क्योंकि मेरी हिम्मत एकदम टूट जाती है घोड़े पे बैठने के बाद में, मिलते बाद में। तो गाइज अभी हम लोग नीचे की तरफ ऐसे जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, मैं तो अकेले ही उतर रहा हूँ, मजा आ रहा है बिना कोई सपोर्ट के, मतलब सिर्फ घोड़ा है। और ये लोग देखो, कायनात को देखो और कैफी को देखो और वैष्णवी को भी देखो। गाइज अभी नीचे जाते और नीचे मिलते हैं आपसे। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड, जो यहाँ का बहुत ही फेमस है, और वहाँ जाके देखेंगे क्या है। लेकिन बहुत ऐसा हम लोग देखे बहुत सी स्टोरीज में, रील्स में और पोस्ट में, कि वहाँ पे चर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, वो देखना है हम लोग को, वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचेंगे बहुत सारे। तो यस अभी चलते हैं, हम लोग ऑन द वे है, यहाँ से थोड़ा दूर है तो वहाँ पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। गाइस हम लोग पहुँच गए मॉल रोड, और थोड़ा ठंडा है क्लाइमेट, इसलिए मैंने ओवर जैकेट पहन ली हूँ। और यहाँ पे ऐसा है कि पार्किंग यहाँ पीछे है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वहाँ पे होती है, और ऊपर जाने के लिए एक लिफ्ट होती है मॉल रोड जाने के लिए। क्या हो गया? मॉल रोड जाने के लिए लिफ्ट होती है, तो वही अभी पूछ रहे कहाँ से है। हाँ शायद वहाँ से है, तो चलते ऊपर और फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग लिफ्ट से इधर तक का आए हैं, इसके और ऊपर जाना है शायद। और अरीब के ऊपर कीचड़ इतना उड़ा था, अभी तो इसने साफ कर दिया। अरीब अभी पूरा गंदा है, हल्का सा। हाँ है थोड़ा सा, बहुत शौक था ना घोड़े पे बैठने का, घोड़ा नहीं था वैसी बात है, जो भी था वो खच्चर था। घोड़ा ऐसा घूमता है क्या मजे में इतना? ले हाय बेजू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। क्या यार बेजू, इतना नर्वस हो गया तू, अब तू ऐसे ही आएगा नींद में। गाइज हम पहुंच गए हैं ये चर्च, और यहाँ से ये है नज़ारा, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ
वेरी प्रिटी और क्लाउड्स के साथ और ज़्यादा प्रिटी। हम लोग फोटोज़ निकाले ये साइड पे, ये जगह बड़ी अच्छी थी, यहाँ पे फोटोज़ खींच लिए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो ये शायद होटल है, यहाँ पे जाते हैं और आपको भी बताते हैं कैसा है यहाँ का खाना, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और फिर हम लोग ये साइड जाएंगे और ये साइड थोड़ा घूमेंगे, फ़ोटोज़ लेंगे, बहुत अच्छी जगह है यार ये। तो गाइस खाना आ चुका है और ये है होटल जो कि बहुत ही प्यारी है। तो गाइस खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग का खा पी के हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा और आगे, जैसे मैंने आपको बोली थी कि हम लोग थोड़ा और आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। और खाना तो यहाँ का थोड़ा स्पाइसी नहीं रहता है, बहुत फीका रहता है, तो हम लोग को समझ में नहीं आया अभी तक, तो कहीं का भी खाना इतना अच्छा नहीं लगा है कैसा हम लोग बोल सके कि यार बहुत अच्छा खाना था। नहीं था, ठीक था, लेकिन अब क्या कर सकते, जैसा देश वैसा भेज वैसा होता है ना। गाइस यहाँ से व्यू देखो, बस पूरा शिमला दिख रहा है, पूरा शिमला बहुत ही प्यारा व्यू है और क्लाउड्स भी आज बड़े अच्छे निकले हैं। गाइस ये जो है ये थिएटर है यहाँ का, वहाँ लिखा है जो भी है, बहुत अच्छा बना हुआ है। ये क्या है, ये भी कुछ होगा। अब यहाँ पे हम लोग फोटोज़ खींचते हैं क्योंकि ये वॉल बहुत अच्छी बनी हुई है। तो गाइस हम लोग का फोटोज़ ये वो लेके हो चुका है और मुझे वैष्णो नगर टेम्पल ने कुछ सरप्राइज दिए है। सिर्फ कैफी, सिर्फ कैफी। या। तो गाइज कल हमारी एनिवर्सरी है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 इयर्स हो गए हम दोनों को। इसके लिए लोग ने केक ले लिए क्योंकि जहाँ हमारी होटल है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसी लोगों ने अभी से ले लिए है। और वो भी मुझे पता नहीं था, मैं आरिफ को बताता, अरिफ तुम्हें पता था कि ये लोग केक ले रहे हैं। आगे ये सिर्फ हम लोगों लेके जा रही यहाँ वहाँ, ठंडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जो है वेदर थोड़ा एकदम कोजी कोजी हो गया, एकदम ठंडी लग रही हवा, देखो कितनी चल रही, मेरे हाथ पे एकदम ठंडे पड़ गए इतना पहनने के बाद भी। और उन्होंने ग्लव्स भी पहने, लेकिन अरिब ने तो कुछ भी नहीं पहने, ना ग्लव्स है ना कैप है। तो अभी हम लोग शायद मेरी बैंड बजी पड़ी है बहुत ठंड से, ये मैंने ग्लव्स कहीं फेंक दिया अपने गंदे वगैरह। सही में गाइस तुम लोग सोच भी नहीं सकते मैं कैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि ग्लव्स यूज मतलब ग्लव्स के साथ में यूज़ नहीं कर सकती हूँ मैं फोन। ठंडी तो मनाली में नहीं लग रही, यहाँ बहुत ज़्यादा लग रही है, हवा के ज़्यादा आ रही है ना एक्चुअली। हाँ हवा बहुत चलती है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं होटल वापस, तो डायरेक्ट होटल पे मिलते हैं। हम लोग आ गए हमारे होटल, क्योंकि यहाँ पे शिमला में ज़्यादा कुछ है नहीं, मॉल रोड था और कुफरी था, हमने दोनों चीज़ें कवर कर ली। तो अभी हम लोग आ गए होटल और हम लोग ने आपको बताया नहीं था बाहर से होटल कैसी है। ये देखो ये है हमारी होटल और इन अरिब को देखो मज़े लेने जा रहे हैं। अरिब क्या कर रहे हो, क्लाउड देखो अरिब यार, चल ऊपर चलो अभी फटफट चलो गाइस, बहुत ठंडी है यहाँ पे, जल्दी से रूम में जाते हीटर ऑन करते और जल्दी से चेंज वेंज करके बैठते, बहुत घुटन भी हो रही, इतने कपड़े कभी पहनते नहीं हम लोग, इतना पहनना पड़ रहा है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस मैंने जैसा आपको बोला कि कैफी ने केक वेक लेकर आई थी, तो इसलिए उसने मेरे को बोली कि तू रेडी हो जा, अरिब को भी बोली रेडी होने। और यहाँ पे वैष्णवी मेरा हेयर कर्ल्स कर रही है, क्या पता कैसे कर रही, हमारा कुछ भी नहीं है तो भी हम रेडी है। तो रेडी होते और फिर आपसे मिलते। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, ये है मेरा आउटफिट। स्माइल गाइस, वैष्णवी और कैफी का सरप्राइज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्या इनफैक्ट अरिब को भी बहुत अच्छा लगा। बस प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि जहाँ ये लोग ने सरप्राइज प्लान किए थे वहाँ पे इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी कि हम लोग बैर ही नहीं कर पाए, खाली केक कटिंग वाली वीडियो लिए और फट से हम लोग रूम पर आ गए। हम लोगों ने रूम पर आके बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। यहीं पर मैं व्लॉग एंड करती हूँ, इंशाल्लाह कल हम लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।